मैं हूँ इस टाइम उत्तराखंड पहाड़ी है ये पहाड़ी। धन्यवाद बेटा, हमारे पहाड़ की शान ही अलग है। ये अंकल बोल रहे हैं, वो जो वहाँ पहाड़ है वहाँ पे इसका बीज मिलता है। अच्छा, इस तरीके की मूली का सब्जी खाना अच्छी, खिचौड़ू टाइप बना के ना। हम भी पहाड़ से हैं पर यहाँ नहीं, ऋषिकेश की तरफ से। यहाँ का आया होटल में आया? हाँ, ये होटल में भाजी कॉर्बेट है ना। अच्छा, तो यहाँ पर है। मेरे को भी खेत चाहिए, मैं भी खेत में काम कर। दुनिया का खेत पड़े, ले ले वहाँ कर ले खेती। यहाँ पर है वो आंटी जो मुझे सुबह मिली थी, जिनके साथ मैंने बैठ के घंटों बातें करी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो 11 बजे खेत पे चली जाती हैं। तो बस हम नाश्ता वाश्ता करके हम लोग इधर की साइड निकल आए, आंटी हमें मिल गई खेत पे। तो बस आंटी का ये खेत है टमाटरों का। जंगली जानवर रखे आंटी? हाँ, फिर बहुत आते हैं जंगली जानवर। अभी अभी हगाए मैंने मोर। ओ अरे, मोर था? शाम शाम को आना, शाम शाम को बढ़िया नाच दिखाते हैं वो। अरे वाह, फिर तो आना पड़ेगा। कितने बजे? 4-5 बजे नाचते हैं वो खेतों में हमारे ही। अरे वाह, नीलू शाम को आएंगे? उनका पेट जो भर गया तो नाचते रहते हैं। हाँ सही बात है, पेट भर गया और क्या काम। कहाँ गए तुम? ये मूली बड़ी भयंकर लाए हो, कहाँ से लाए हो? वहाँ पे खेत में काम कर रहे थे भाई जी, तो उन्होंने 2 टमाटर दिए। मैंने कहा मैं एक मूली उखाड़ लूँ, बोलते हाँ उखाड़ लो। तो इतनी बड़ा मूला उखाड़ा। मुझे लगा एक पतली सी होगी, लंबी सी, और इतना बड़ा। हाँ, इसको कैसे काट के सब्जी बनाते हैं ना, खिचौड़ू टाइप बढ़िया हो जाती है। आलू और मूली मिला के ना है, बढ़िया होती है सब्जी। अरे आंटी, यहाँ जिखिया मिलता है कहीं? जिखिया यहाँ होगा, किसी के पास होगा, दुकानों में होगा। अच्छा, दुकानों में मिल जाएगा यहाँ? नीलू जिखिया लेके जाएंगे वहाँ, है ना? है अच्छा, बरसात के दिन आंटी तो दुकान पे मिल जाएगा ये। आप खेती करते हो ना टमाटर की? ये बाजार में जाएंगे टमाटर? सही, मैं भी थोड़ा होती हूँ, रुको आती हूँ। मैं मूली अपनी यहाँ रखती हूँ। कोई बात नहीं, फैलता हूँ। नदी उसमें पानी बहता है वहाँ? अभी चलते हैं। अच्छा, इसीलिए वहाँ पे कम हो गया पानी। तो ये आंटी जिनके साथ मैं सुबह से गप्पे मार रही थी, और आंटी ने मुझे चाय के लिए भी पूछा पर मैं चाय नहीं पिया। शाम को आऊंगे पर चाय पीने हैं। कितने बजे बनाते हो आप चाय? आते हैं ना 5-6 बजे। ठीक, 6 बजे भी आ जाओगे? क्या करना है तुम लोगों ने? हम दो दो चाय पी लेंगे फिर। हम भी पी लेंगे तुम्हारे साथ। वहाँ पहाड़ों को, पहाड़ियों को तो चाय पिला लो कितनी भी। नहीं वहाँ देशी बिहारी में वो जो अजीब लाग रहा है। सही बात है, क्या बोलते कि अपने लोग मिलते तो अच्छा लगता है, वो देसी बिहारी इधर के आते तो वो नहीं लगता है ना। सही बोला ना? हाँ। सही बोला ना? हाँ, इतना मुझे समझ में आता है। इनको लगता है इन्हीं पहाड़ी समझ में आती, बस मुझे तो आती नहीं, जबकि इनको बोलना नहीं आता। मैं तो बोली अपनी भाषा आनी चाहिए ना आंटी, तो मैंने कहा तुमको नहीं आएगी तो बेटे को कैसे सिखाओगे। सास ससुर तो बोलते हैं अपने आपस में, पर बच्चों को किसी को नहीं आती गढ़ वाली वाल। हाँ, ये हमारे जहाँ से तुमने मूली उखाड़ रखी है ना। हाँ, ये लोग सब वही भाषा बोलते हैं।
गढ़वाली। अच्छा, ये रोड साइड जिनके मकान है ऊपर ऊपर से वो हाँ। वो सब गढ़वाली भाषा बोलते हैं, वहीं की गढ़वाल की बोलते हैं। अच्छा, वो वहाँ के होंगे फिर। हाँ, उनकी भाषा हमारे समझ में कम आती है। अच्छा, तो अपनी भाषा में जब बोलते हैं ना है। उनकी भाषा हमारे समझ में नहीं आती है। मैं तो समझ जाती हूँ, यहाँ की भी वहाँ की भी, मैं बंगाली भी समझ जाती हूँ, बस बोल नहीं पाती मैं। चलो मैं भी अभी कहा, मेरे लड़के का फोन आया था, मैंने कहा वहाँ से गाड़ी घूमने आए हैं वो लोग, यहाँ आए थे अभी। अच्छा, आजकल सब घूमने ही निकले हैं बल। हाँ, वो है ना नया साल के चलते लोग बाग कि चलो चलते हैं घूम आते हैं। अच्छा, धूप तेज पड़े ना तो जल्दी वो हो जाता है यार। तो कोहरा आ जाता है तो फिर ओस से भर जाते ही है, तो पकते कम है। होते हैं। हाँ। ये भी सब बिक गया है। अच्छा, बिकी हुई जमीन है ये सब, अब इसमें भी होटल ही बन रहा है। ओहो, ये भी सब बिक। हाँ, तो ये सब अब यहाँ खेती इसीलिए तो बंजर पड़ा ना, ये बंजर जितना है ये सब, इसमें भी होटल ही बन रहा है। सारे होटल होटल में आ जाएंगे। और दो तीन इधर सारे खरीद दी कहा होटल बनाने वालों ने। मेरा जो नानी सास का घर है वो गंगा जी के किनारे, बिल्कुल ऐसे गंगा जी बहती है उसी के पास में, और वहाँ सारे रिजॉर्ट वाले राफ्टिंग वाले पहुँच गए, तो गाँव में दिन रात शोर शराबा, वो आते हैं लोग बाग, पीते खाते हैं, बोतले फोड़ते हैं, सब गंद मचा के रखा है। बन गए कहा नीचे नीचे वो गाँव में रिजॉर्ट बनाओ, पर हर उसका ना एक वो भी होनी चाहिए कि गंदगी ना फैलाएं आपके यहाँ के लोग। हमारे गांव का एक आदमी मार गया, उधर भी है होटल। अच्छा, रोड से उधर को है। एक तो काटेगा तो नहीं मेरे को ना, ना। ए, काटेगा तो नहीं तू मेरे को? जंगल भी जा रहा घूमने, जंगल जा रहे हो। तो खराब रखा, इनके साथ ये दिखा देंगे तुमको। अरे नहीं, आप करो काम, नदी देखने जा रहे हो तो। हाँ, नदी देख के थक गए। नीली आंटी बोली उधर नदी है, ऐसे झाक के आएंगे बा। यहीं पर है वो जो हमारे उधर नहर है ना, बड़ी नहर, वो पानी यहाँ पर आया है। अच्छा। नीचे देखने जा रहे हो, देख जाओ। चलो जा रहे सारे। क्या बोल रहे, कहाँ जा रहे? सुषमा, जो ये आंटी ने प्यार दिखाया ना, ये कभी हमारे दादाजी भी करते थे। दादा मान लो कभी कोई आ गया खाने टाइम पे, चाय के टाइम पे, जैसे जैसे पानी चाय पिला दिया, पानी पी के जा बेटा, खाना खा के जा। तो मोहब्बत धरती से जुड़ा होता है ना इंसान, उसके अंदर अपना ही प्यार अलग होता है, अपना पन होता है। अजनबियों को भी पता क्यों इतना कोई प्यार करेगा। सही बात है, है ना। देखो पूरे हरियाणा खेत खेत हो रहे हैं। पहाड़ का जो आदमी है ना, जो बिल्कुल अपनी जड़ से जुड़ा हुआ है, वो इंसान का दिल बहुत अच्छा है। ये देखो वहाँ पे वो भैया मिले, उन्होंने अपने खेत से देखो मूली तोड़ने दी है। यहाँ पे आंटी मिली सुबह, बस ऐसे नदी में कपड़े धो रही थी, तो मैं ऐसे उनके साथ बैठ गई, बातें करने लगी, अपने घर की ऐसे बताने लगी, बच्चे है वो। मैंने कहा आंटी ठंड नहीं लग रही, नदी में पैर डाल रखा बस। बोलती ना बेटी, ठंड तो रोज का ही है, ये तो करना ही करना है। मैंने कहा हाँ, तो बस ऐसे बात करते करते आंटी बोली चाय के लिए। मैंने कहा अभी नहीं, बाद में पियेंगे। तो आंटी के पास जाएंगे शाम को चाय पीने, ठीक है? पक्का, चलो बाय। फाइनली मैं रूम पे पहुंच गई हूँ, और टमाटर और मूली को मैंने ठिकाने लगा दिए। ये टमाटर डाल दिए मैंने खजाना ड्रावर में, और मूली रख दी मैंने यहाँ नीचे, मूली है कि मूला। और बस नीचे जाऊंगी अभी, क्लीनिंग वाले भैया आए हैं वो पर क्लीन कर जाए, फिर नीचे जाती हूँ। रुद्रेश मस्ती कर रहे हैं एज ऑलवेज, और अभी कहीं और जाने का प्लान हो रहा है, लेट्स सी जाते हैं कि नहीं। बट मेरा तो कहीं जाने का मन नहीं है, अगर ऑप्शन होगा तो मैं नहीं जाऊंगी। किटी आजा, जल्दी आ किटू,
आजा मैं आती हूँ भाई, जागना नहीं, आजा। रॉकी बस बेटे ऊपर चढ़ेगा वो। हाँ तब से घूम रहे हैं और हम, मैं अपने रूम से इसको बार बार देख रही हूँ, ये कौन सा पेड़ है कौन सा पेड़ है। अब जाके समझ में आया ये आंवले का पेड़ है। भाई जी आंवले का पेड़ है, देखो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। कितना आंवला लगा हुआ है इसमें, ओ माय गॉड। मैं अपने रूम से देख के ना नील को बोल रही थी, मैंने कहा नील देखना ये कुछ लगा हुआ है। अब जब नीचे आके यहाँ मैं बैठी थी ना सामने, तब वहाँ से ध्यान से देखा मैंने, कहा अरे ये तो आंवला लगा हुआ है। और आंवला रुद्रंश को कितना पसंद है नीलू, क्या बोलता है, आंवला वो आमड़ दे दो इसके। देखिए इसने लिया ना, कितना सुंदर लग रहे नीलू देखो। सही है, इसका मुरब्बा भी बनाएंगे चटनी भी बनाएंगे। ये लिया आपने, देखो आप जो खाते हो ना वो लगा देखो वहाँ पे, वो क्या है, आंवला। यस वेरी गुड आंवला। आपको बताइए क्या है? नहीं मुझे नहीं पता। कैनबेरी, कैनबेरी जूस। ओ कैनबेरी तो रेड कलर होता है, ये तो ब्लू कलर है, ब्लूबेरी। आराम से ठीक है। आप बताइए क्या है? नहीं ऐसे नहीं, नॉर्मल झूल रहा है, ऐसे नहीं। आप मन में लटका लो। नहीं 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 ऐसा नहीं। ओप मम्मा, ओप मम्मा, डैडी को आसमान में लटका दो। ओ चुप रे, ओप से तो मम्मी ने दबा दिया। आंटी गिर मत जाना, स्माइल कर दो बस एक साल। यस स्माइल। मम्मा को लटका दूं, लटका दूं? आप रोगे तो नहीं? रेडी गेट सेट गो। बन के देख ले चल। नीलू पीछे खड़ा रहे, गिर जाऊंगी तो पकड़ लेना आप प्लीज। 1 2 3 देख चढ़ तो गई मैं। नीलू पर इसमें फंस जाऊंगी, इस सर्कल में फंस जाऊंगी है ना। नहीं फंसेगी, नहीं 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 फंस जाऊंगी मैं। अबे नहीं फंसेगी दादा। ओ फंस गई तो दादा मजे ले रहे हो तुम, हाँ मजे ले रहे हो दादा ऐसे ही है। वही तो कह रही, देखो फंस गई। ओह बच्चों का खेल बच्चों का ही होता है यार, बड़ों का नहीं हो सकता। तुम इस इन पे आप मुझे वॉक करके दिखा दो, इस पे वहाँ पर ऑर्गेनिक वाला धनिया रखा है। ये रिजॉर्ट में हम लोग बैक साइड में आए हैं, रिजॉर्ट यहाँ पर पीछे रह गया, हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर वगैरह बने हैं। और ना मोर की आवाज़ आ रही बहुत देर से, पता नहीं किधर की साइड है। और यहाँ पर वो पालक है और यहाँ पर धनिया, और धनिया की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। दिस इज़ माई लंच की थाली, थोड़े से चावल, ये फ्राइड आलू है और बीन्स और गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी, राजमा और बूंदी का रायता जो कि बहुत टेस्टी है क्योंकि रुद्रंश ने 3 बाउल रायता पिया है। और रोटियां हैं साथ में तो मैं रोटी भी लूँगी। तो दैट्स इट, लंच कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे, राइट डैडी? तो बस लंच वगैरह करके आ गए हैं, रुद्रंश को सुला दिया है। रुद्रंश को सुलाना इसलिए ज़रूरी था ताकि अभी सो जाए तो शाम की जो पार्टी है उसको अच्छे से एंजॉय कर सके। तो बस माँ बेटे दोनों रेस्ट कर रहे हैं। नील अभी अपने ऑफिस के काम से ही है बाहर, मतलब ऑफिस वाले जो उनके कलीग्स हैं उन्हीं लोगों के साथ हैं वो। और दोनों अम्मा बेटे रेस्ट कर रहे हैं शाम को, बट वो हमारे साथ होंगे और शाम को कुछ और प्लान्स भी हैं। तो अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो डेफिनेटली वो व्लॉग भी मैं डालूंगी, हो सकता है इस व्लॉग से पहले मैं वही वाला व्लॉग डाल दूं। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और आज फिर रुद्रंश के बिना बट उसके साथ ऐसे हम करते हैं इस व्लॉग का एंड। मिलती हूँ एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, मे बी हो सकता है वो नए साल पर ना आए,
पर फिलहाल तो 31 दिसंबर है और इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर विद माय नोट, बी हैप्पी, ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी एंड प्राउड टू बी इंडियन। बाय।